वहीं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग संस्थान में हुए हादसे में 3 बच्चों की मौत के बाद केजरीवाल सरकार हरकत में आ गई है। दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। आप नेता और मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी और कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से भी इस पर सुझाव लिया जाएगा। अब तक 30 बेसमेंट सील हुए MCD। मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई कर के आदेश दिए गए हैं। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और प्रीत विहार में अब तक 30 बेसमेंट सील किए गए हैं। कई कोचिंग सेंटर को शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। अब पूरी रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लेंगे। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसके अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी रिपोर्ट है ये 6 दिन के अंदर आएगी और उसके आधार पर जिन जिन की भी गलती पाई जाएगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ना सिर्फ JEE और AE को सस्पेंड किया गया, जैसे ही पता चला कि ड्रेन की इंक्रोचमेंट की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है, मेयर शैली ओबेरॉय जी ने आदेश दिए, एक बुलडोजर को तुरंत राजेंद्र नगर भेजा गया। जहां जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स ने ड्रेन पर इंक्रोचमेंट किया है उस इंक्रोचमेंट को हटाया गया कि ड्रेन प्रॉपरली फंक्शनल हो जाए। ना सिर्फ इतना, दिल्ली में जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स इलीगली बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, उन पर भी पिछले 3 दिन में सख्त कार्रवाई हो रही है। पिछले 3 दिन में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार एरियाज में कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट्स को सील किया गया है। 30 ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी बेसमेंट सील हुई है, जिसमें दृष्टि IES, बाजीराव, श्रीराम, संस्कृति एकेडमी, IES गुरुकुल शामिल है। इसके अलावा 200 और कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए हैं और आज भी बेसमेंट्स की सीलिंग जारी रहेगी। घटना हुई, आपने देखा बेसमेंट में 2 एंट्री एग्जिट होने थे और हमने पाया कि एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है, जिसकी वजह से बच्चे नीचे ट्रैप हो गए और 3 छात्रों की जान चली गई। सबसे पहले मैं इन छात्रों के जो परिवार हैं और माता पिता हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। वो सपनों के साथ ये बच्चे दिल्ली में कोचिंग लेने आए थे और एक IAS बनने का सपना देखा था। अब इन छात्रों की डिमांड्स को हम सुनेंगे और जल्द ही हम इनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम इस रेगुलेशन को दिल्ली सरकार में पास करेंगे और फिर MCD भी उन सभी रेगुलेशंस का, रूल्स रेगुलेशन का पालन करेगी। आने वाले समय में मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारी ये जो सीलिंग ड्राइव है आने वाले समय में कुछ दिनों में चलती रहेगी और अगर जो भी ऑफिसर जिम्मेदार होगा या लापरवाह होगा उस पर भी जो सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त।